लेकिन दिक्कत ये रही है क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि रहे हैं वो आज तक इस गांव में नहीं आए, चाहे वो सांसद हों, राकेश सर्वेश कुमार जी रहे हों बीजेपी से, और चाहे एसटीएसएन हो, कोई भी है, मतलब यहाँ ही नहीं आते लोग। एक बार में आप सांसद आए थे, उन्होंने कहा कि वहाँ से यहाँ तक आरसीसी हो जाएगी, इसमें आज तक तो एक ईंट नहीं लगी थी। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। 2012 में जिस प्रकार अखिलेश यादव जी ने काम करे हैं, विकास करे हैं, उस आपको देखते हो तो हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हाँ। सबको अजमालिया लौट फिर कर अखिलेश यादव ही आने चाहिए। हाँ। रोजगार बहुत देते हैं वो। हाँ। इस मामले में वो नंबर वन आदमी। सनराइज न्यूज की टीम गांव गांव जा रही है और लोगों से रुझान जान रही है कि इस बार सरकार किसकी बनने वाली है, यानी जो जनता के मन भाया सत्ता का सुख उसी ने पाया। तो यहां हम इस समय मौजूद हैं, ये गांव है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं, जूनियर हाई स्कूल सिरसवा हरचंद के पास हम खड़े हैं और यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार ये किसको सत्ता में देखना चाहते हैं। तो आइए हम लेकर चलते हैं आपको। क्या नाम भैया आपका? शेखर यादव। कैसा कामकाज हुआ है यहाँ पे योगी सरकार के शासनकाल में और व्यवस्थाएं कैसी रही हैं यहाँ पर? सिर्फ सड़कों की समस्याएं हैं, सड़कों की आप देख लो, सड़कें किस हिसाब से हैं यहाँ पे, कोई कुछ नहीं हुआ है सड़क के मामले में, देखा है तो कोई विकास ही नहीं हुआ 5 साल में यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कोरोना काल में कैसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ कैसी रहीं, सबको समुचित इलाज मिला या नहीं? हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था तो सब कुछ ठीक रही है। हाँ। उसमें तो कोई वो नहीं है, सब कुछ बढ़िया है स्वास्थ्य में तो। जहाँ तक कि विकास की मामला है, विकास के मामले में बहुत पीछे है। हाँ हाँ हाँ। तो किसको इस बार किसको सरकार में देखना चाहते हैं, अखिलेश को की? 2012 में जिस प्रकार अखिलेश यादव जी ने काम करे हैं, विकास करे हैं, उस आपको देखते हो तो हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, योगी सरकार से आप नाखुश हैं? जी हाँ। कितने नंबर देंगे आप योगी सरकार को? 10 में से 2। अच्छा, इतना कम? जी। 8 की वजह बता दीजिए जो 8 आपने घटाए। जी, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो समस्या है, सड़क की समस्या है, नालियों की समस्या है, विकास बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, बस यही समस्याएं हैं। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, देखते हैं कि उनका क्या कुछ कहना। क्या नाम भैया आपका? प्रमोद यादव। प्रमोद जी, ये बताइए कैसा कामकाज हुआ है योगी सरकार के शासनकाल में? यहाँ तो यही दिक्कत है, नाली खरंजे ये सब वगैरह यही दिक्कत है। अच्छा। और अखिलेश सिंह के उसमें बड़ा मतलब रोजगार सभी कुछ मामला सही था। प्रशासन की व्यवस्था कैसी है यहाँ की? प्रशासन तो ठीक है, खैर। हाँ। फिर भी हम इस बार जो अखिलेश यादव को ही चांगे। अखिलेश यादव ही क्यों, और भी कई सारी पार्टियाँ हैं, कई सारे दल हैं, तो उनको भी तो मौका देना चाहिए एक बार। उन्हें देख लिया। हाँ। सबको अजमा लिया, लौट फिर कर अखिलेश यादव ही आने चाहिए। हाँ। रोजगार बहुत देते हैं वो। हाँ। इस मामले में वो नंबर वन आदमी। अच्छा, योगी सरकार दावा करती है कि वो नंबर वन है, नंबर किस मामले में? नंबर वन कहाँ से दिखाई दे, ये खरंजा देख लो और इधर देख लो, पूरे गाँव में सब ऐसे ही है, गारा कीच ये वगैरह सब ऐसे ही है। चलो और भी लोगों से पूछते हैं। क्या नाम भैया? प्रदीप यादव। प्रदीप जी, बताइए कैसा कामकाज रहा है आपके क्षेत्र में योगी सरकार का? कामकाज तो ठीक नहीं रहा, लेकिन जो है कुछ समस्याएं हैं पब्लिक की, और जो विकास नहीं हुआ बिल्कुल भी हमारे क्षेत्र में। हाँ, जैसे किस तरह का? आप भाई साहब ने बताया सड़क की दिक्कत, बेरोजगारी बहुत आ गई है। हाँ। कोरोना काल में ठीक है। हाँ। और समाज चाहता है कि हमें इस अच्छी शिक्षा मिले, और आजकल ये योगी सरकार का प्लान चल रहा है कि बिना पढ़े सबको डिग्री मिल रही है, और इससे थोड़ा दिक्कत सी मालूम हो रही है। योगी सरकार के और क्या क्या चीज़ें हैं, कोई एक बात जो आपको अच्छी लगती हो? लेकिन शासन व्यवस्था ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक है उनकी, जो कुछ काम ऐसे हैं जो जल्दी सोल्व हो जाते हैं और सरकारों में नहीं होते थे। हाँ, बस यही ठीक है। अच्छा, सपा सरकार में बहुत ज़्यादा आरोप लगते रहते हैं घूस के, कि हाँ बिना पैसे के एक फाइल आगे नहीं होती है ना, एक कदम भी। सपा सरकार ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है विपक्ष को बताते ही है ऐसा। हाँ, तो इस बार आप किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश भैया को देखना चाहते हैं इस बार। अच्छा, अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? अखिलेश यादव सभी टोटली एक तो एजुकेटेड पर्सन है वो। हाँ। और शिक्षा के विकास में और हमारे जो क्षेत्र हैं यूपी को अच्छा आगे ले गए हैं बहुत विकास के क्षेत्र में। अच्छा, चलो और भी लोगों से हम पूछते हैं, उनका क्या कुछ कहना। क्या नाम भैया आपका? अंकित शर्मा। अंकित जी, बताइए कैसा कामकाज रहा है योगी सरकार का? बाकी तो काम सारा बढ़िया है। हाँ। बाकी अपनी अपनी सोच है, मैं तो सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, आप योगी समर्थक हैं? बिल्कुल। तो अखिलेश यादव, यहाँ ज्यादातर लोग जो है वो अखिलेश के समर्थक हैं। भाई, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। अच्छा, बाकी मैं दोलारी मुंडाबांडे ब्लॉक का रहने वाला हूँ, बाकी यहाँ का मुझे कुछ नहीं पता। बाकी आप मेरे क्षेत्र में देखेगा। जी जी, 10 में तो 10 ही नंबर दूंगा, जैसा विकास है और सबका साथ सबका विकास। विकास की बात करें तो आप देख सकते हैं जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी,
ये सच्ची सरकार पर डिपेंड नहीं करती। जो यहाँ का मुखिया होता है ना, मैन होता है एमएलए और एमपी। अगर पब्लिक परेशान है तो वहाँ तक पहुँचे, और अगर वो काम नहीं करता है तो ऊपर शासन के पास जाए। आपने मुखिया का जिक्र किया, तो हमारे साथ मौजूद हैं गांव के मुखिया, तो पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं रणवीर सिंह, ग्राम सचमार्दन से नवनिर्वाचित प्रधान हूँ इस बार, और ये मुरादाबाद से 22 किलोमीटर बिलाग भगतपुर का एक छोटा सा गांव है सचमार्दन, मैं यहाँ का प्रधान हूँ वर्तमान में। प्रधान जी, बात बताइए, यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, जैसे जो खड़ंजा काम होता है, जो नाली काम होता है, ये सारा तो आपको ही करवाना है, तो ये क्या है, मतलब कहाँ तक है इसका प्रोसेस पहुँचा है, कब तक हो जाएगा कंप्लीट? ये असल में एक तो मुरादाबाद ज़िले की ब्लाक बहुत सबसे छोटी ग्राम पंचायत है, और यहाँ पे जो भी मतलब फंड आता है वो इतना नहीं आ पाता कि जिससे सारा कार्य कराया जा सके। हाँ, बट प्रयास कर रहे हैं, पूर्व प्रधानों ने प्रयास किया है और मैं भी प्रयासरत हूँ, लेकिन दिक्कत ये रही है क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि रहे हैं वो आज तक इस गांव में नहीं आए हैं, चाहे वो सांसद हों, राकेश सर्वेश कुमार जी रहे हों बीजेपी से, और चाहे एसटीएसएन हो, कोई भी है, मतलब यहाँ ही नहीं आते। ये दिक्कत रही है लोगों को। आपने बताया कि फंड की दिक्कत आती है और छोटा सा गांव, लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि हाँ क्या क्या दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से मैं काम नहीं करवा पा रहा हूँ या प्रयास कर रहा हूँ काम करवाने का? अब समस्या ये है क्योंकि पहले मेरा छोटा सा परिवार था, अब ये पूरा गाँव मेरा परिवार हो गया। कोई भी व्यक्ति है, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने परिवार के सभी बच्चों को खुश नहीं रखता, तो मैं, मेरे लिए तो पूरा परिवार है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सबको जो है समझा बुझा के कार्य करता हूँ और करता हूँ, प्रयास है कि अच्छा कार्य होगा। अच्छा, बात कर लेते हैं राज्य स्तर की राजनीति की, तो इस बार आपका समर्थन किसकी तरफ रहेगा, क्योंकि आपने भी बताया कि ये पूरा गाँव आपका परिवार है, तो आप अपने परिवार को किस तरफ लेके जाएंगे? मैं, मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार को इस बार ये सोच रहा हूँ, जो भी वर्तमान में जैसा लगेगा चुनाव का रुझान, जैसा भी होगा चुनाव का, उस तरफ जाएंगे, लेकिन अधिकतर जो पुराने मेरा वो रहा है ब्लॉक की तरफ से 27 देहात का, उधर ही जाना है हमको। तो रुझान देख के आप जाएंगे कि जिसने काम किया है, विकास किया है, काम के मुद्दे पर? पूर्व की सरकारों ने जो काम किया है, पूर्व की जो, जैसे बीजेपी से पहले की जो सरकारें रही हैं, समाजवादी पार्टी, हाँ, उसके अनुसार यदि हम जाएंगे, हाँ, तो हमें समाजवादी की तरफ ही जाना होगा, क्योंकि उन्होंने प्रदेश का विकास किया है। हाँ, एक केवल गांव से ही सारा काम नहीं होता, शिक्षा में और प्रदेश में जो उन्होंने काम किया, आगे बेरोजगारी को दूर किया था, आज बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है, तो जिससे परेशान है, और लोगों को जो है बिना पढ़ाए, आप किसी व्यक्ति को बिना पढ़ाए डिग्री उसके हाथ में दे दें, तो आप समझेंगे कि उस गांव का या उस देश का क्या भला हो जाएगा। वर्तमान सरकार की अगर बात करें, तो वर्तमान सरकार का कामकाज आपको कैसा लगता है? कुछ अच्छाइयां भी होंगी और कुछ बुराइयां भी होंगी, तो आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पे किस तरह से देखते हैं? अच्छाइयां तो ये हैं कि प्रशासन जो है इस समय लगभग 50% सही काम कर रहा है मेरी नज़र में। दूसरी बात रही बात काम करने की, तो आपने देखा ही है सारे हालात, यदि यहाँ का प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि के पास जाता तो काम कोई होता नहीं है, बहाने बता दिए जाते हैं, और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, यदि आप किसी सरकारी कार्यालय में किसी काम के लिए जाएं तो अधिकारी के मुंह से जो निकल गया वो उसका अपना हो गया, तो यहाँ तो जनता को लूटना ही लूटना है, इसलिए पूर्ववर्ती सरकारों जो बीजेपी से पहले रही उनको सपोर्ट होगा। अच्छा, आप गांव के मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पे क्या क्या समस्याएं आती हैं जो आपने फेस की हो कि हाँ इस मामले में या इस तरीके से लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है? सबसे बड़ी समस्या तो क्या है, यहाँ पे गांव में जो होती है वो जो खाद्यान्न है उसकी बहुत विकट समस्या है मेरे अपने गाँव की। दूसरी बात, नाली खरंजों की समस्या तो है, आप बताया होगा मुझसे पहले लोगों ने, क्योंकि खाद्यान्न में भ्रष्टाचार बहुत है, और लोगों के राशन कार्ड दिए जाते हैं, राशन कार्ड ख़त्म कर दिए जाते हैं, उनकी नीट ख़त्म कर दिए जाते हैं, और भ्रष्ट लोगों को साथ में मिलकर गवर्नमेंट जो है उनको राशन को जो है ब्लैक कर देते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या राशन की रही। जनप्रतिनिधि के तौर पर जिन लोगों ने आपको जिताया उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, कौन सी ऐसी बातें होंगी जो आप उन तक पहुँचाना चाहते हैं? मेरा सभी से ये निवेदन, देखिए कोई भी राज्य या गाँव सभी के सहयोग से चलता है और सारे काम एक साथ नहीं किए जा सकते, तो सभी को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, धीरे धीरे सारे काम सबके होंगे, प्रयास किया जाएगा कि पूर्ण हो जाएं, बाकी जो सिर्फ बचेंगे वो अगला कोई होगा तो उसके साथ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? दौलत सिंह। अच्छा, इस बार किसकी सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी या किसी और की, बीएसपी? देखो, पार्टी तो समाजवादी की आनी है। हाँ,
समाजवादी काम कुछ सही कर रहा है, अब तो योगी तो कुछ नहीं कर रहा यू। हाँ। अच्छा, आपकी काफी उम्र हो गई है, आपने जितनी राजनीतिक अनुभव आपका होगा शायद ही किसी का हो, तो क्या लगता है कि सारी पार्टियां आश्वासन ही देती है, मतलब बस केवल बहानेबाजी करती रहती, झूठ बोलती रहती है, या काम काज भी करते हैं नेता? काम काज कोई ना करता। एक बार यहाँ सांसद आए थे, उन्होंने कहा कि वहाँ से यहाँ तक RCC हो जाएगी इसमें, आज तक तो एक ईंट न लगी इसमें। अच्छा। कुछ भी नहीं हुआ, कोई ना सुनता आका सांसद साहब क्या चलेगा अपने घर को। तो जो यहाँ से जीतने के बाद जाते हैं दोबारा मुंह नहीं दिखाते हैं ना। फिर क्या नाम है, जब चुनाव आता है तभी आते, तो उनको कैसे जवाब देना चाहिए, आप कैसे समझाएंगे गाँव वालों को कि हाँ इस तरीके से आप उनके सामने पेश आओ? हाँ, तो अब जब वो आएंगे तभी तो कही जाएगी, अब कुछ हमें तो बता मैं। तो जब वो आते हैं यहाँ पे तो लोग, मैंने देखा है कि ज्यादातर फूल माला लेके उनके स्वागत में लग जाते हैं, तो ऐसा करना चाहिए लोगों को? नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे उनको समझाएं कि भैया इस बार तुमने जीत के गए हो, उसके बाद से तुम यहाँ आए नहीं हो? सही। तो ऐसे नेताओं के साथ कैसे पेश आना चाहिए, क्या करना चाहिए उनके साथ? उनके साथ ही ना लगना है फिर तो। उनके साथ लग कर क्या करेंगे जब सुनते नहीं, यानी कि दूसरों को मौका देना चाहिए। और क्या। हाँ, चलिए और भी लोगों से हम पूछें। क्या नाम है भैया आपका? यश कुमार यादव। एक बार बताइए, आपके यहाँ क्षेत्र में जीतने के बाद में यहाँ के विधायक सांसद आए हैं? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है। समाजवादी पार्टी से ही? हाँ, कोई नहीं आया। फिर भी समाजवादी पार्टी को ही लोग, तो किसका मतलब? सपा को हम जिताएंगे आपका। अच्छा, मतलब जो यहाँ का प्रतिनिधि है उससे कोई मतलब नहीं है, चेहरा समाजवादी पार्टी ही रहेगा, टिकट चाहे किसी को मिले, टिकट किसी को मिले सपा को जिताएंगे। हाँ, तो फिर नाराजगी आप लोगों की क्यों रहती है कि हाँ काम नहीं हुआ? हमारी नाराजगी रहती है, आप देख रहे हो। हाँ, तो आप पार्टी देख के वोट देते हैं? हमारे प्रधान जी, हमारे जो ईमानदार कर्मठ हमारे 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 प्रधान जी साहब हमारे ये हैं। हाँ, यहाँ पर जो है लोग बुला कर डाल रखे हैं उन्होंने। हाँ, नहीं प्रधान तो आपके यहाँ के जो है, उन्होंने कहा है कि हाँ हम नव निर्वाचित हैं अभी और काम करवाएंगे। हाँ, काम करवाएंगे, लिंक करवाएंगे, कर तो नहीं दे रहा कोई। प्रधान तो सबसे आसान होते हैं, वो तो गांव में ही रहते हैं। एक बात, एक बात, पहले पहले आप मेरी बात सुनो, आपने जो है ये तो कह दे करवाएंगे प्रधान, ठीक है, लिंक काम तो गांव तो नहीं करने दे रहा उनका। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भैया आपका? सत्यम यादव। पढ़ाई वढ़ाई की व्यवस्था यहाँ पे कैसी है, शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था देखा जाए तो ऊपर से जो जो है अब इस समय ये सरकार ने जो बिना पढ़ाई के जो डिग्रियाँ दी हैं उनको, वो बहुत गलत करा है, क्योंकि बच्चा अगर लिखेगा पढ़ेगा याद करेगा तभी उसको कुछ। अगर ऐसे में पढ़ाई स्कूल खोल दी जाती तब भी तो सरकार पर आरोप लगते कि हाँ कोरोना काल में सरकार किसी की चिंता नहीं कर रही है, स्कूल खुले हैं, सारे सब चीज़ें खुले हैं, तो ऐसे में तो सरकार की मजबूरी रही है ये। लेकिन ये बच्चे के लिए बहुत हानिकारक है ना, इसमें बच्चे का ही वो तो भविष्य ऐसे खराब में होगा। विकल्प क्या था, क्या किया जा सकता था आपके हिसाब से? ये ऑनलाइन क्लासेस चलाने थे, लेकिन उसी पे उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। हाँ, उस ऑनलाइन क्लासों को चालू रखना चाहिए था। हाँ, बाकी जो प्रशासन करता था उसके लिए वो अच्छा ही था। अच्छा, लेकिन गांव में जो विकास हुआ बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, बाकी सब जो MLA यहाँ MP सांसद बनते हैं। हाँ, हाँ, उन वो जब इलेक्शन होता है तब तो आते हैं घूमने, वोट मांगने। हाँ, लेकिन बाद में कोई नहीं आता, बोले जब आते हैं तब तो बोलते हैं, बोले हम ये कराएंगे वो कराएंगे, सभी कुछ बोलते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कराता। तो उनके साथ क्या करना चाहिए, दोबारा जब वोट मांगने आए तो उनको क्या, कैसे उनके साथ सलूक करना चाहिए? उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करना चाहिए, जो कि मैं कह नहीं सकता मीडिया के सामने। तो कोई बात नहीं, तो तैयार हैं आप इस बार? बिल्कुल तैयार हैं आप। अच्छा सबक सिखाएंगे? बिल्कुल। चलो, युवाओं से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं देश को और समाज के लोगों को। तो यहाँ हमने बातचीत की, यह है सिरसवा हरचंद। सिरसवा हरचंद के गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ से वो दोबारा से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। हालांकि जितने भी लोग हैं काम काज को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आए, उनकी जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो एकदम चरमराई हुई हैं, वो योगी के काम काज से बिल्कुल नाखुश हैं। कैमरामैन आकार के साथ आदर्श मोहन, सन राइज न्यूज़, मुरादाबाद।